हाय फ्रेंड्स, डिजिटल ग्राफिक में मैं मोहित भट्ट आपका आपके चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है नियॉन ग्लोइंग इफेक्ट का पार्ट टू। आज का वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद है, वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सिंपल कीबोर्ड से कंट्रोल एन टाइप करेंगे, कीबोर्ड से कंट्रोल एन टाइप करेंगे और साइज रख लेते हैं 10 इंच × 7 इंच, रिजोल्यूशन 300 और कलर मोड RGB रहने देते हैं और ओके कर देने पर हमारे पास न्यू पेज ओपन हो जाता है। इसके बाद हमें यहाँ मॉडल का पिक लाना है, यहाँ से सेलेक्ट करके और ड्रैग एंड ड्रॉ करके हम अपने न्यू पेज पे लाएंगे और इसे हम कर देंगे डिलीट। इस पे मॉडल के पिक पर हम अपने आवश्यकता अनुसार एडजस्ट कर लेंगे, अपने आवश्यकता अनुसार इसे हम एडजस्ट कर लेंगे। फिर हम पीछे एक अच्छा सा बैकग्राउंड फिल करेंगे, उसके लिए हमें ये बैकग्राउंड हमने सेलेक्ट किया है और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और लेयर वन का हम रिनेम कर, लेयर प्रॉपर्टी में जाएंगे, नेम में कर देंगे बैकग्राउंड ओके कर देंगे, हमें पता रहे। इसको हम मॉडल के नीचे कर देंगे यहाँ से और मॉडल को सेलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से कंट्रोल टी सेलेक्ट करेंगे और इसे थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे और हम नॉर्मल कीबोर्ड से कंट्रोल जे टाइप करेंगे और इसका एक डुप्लीकेट लेयर बन जाता है और उस डुप्लीकेट लेयर को हम सेलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस क्यू टाइप करेंगे, ये हो जाता है हमारा ब्लैक एंड वाइट। अब फिर हम कीबोर्ड से यू टाइप करते हैं और हमारा एलिप्स टूल सेलेक्ट हो जाता है, एलिप्स टूल का शॉर्टकट की यू है और इसके बाद हम एक एलिप्स ड्रॉ करते हैं और उसके बाद ए टाइप करते हैं, इससे हमारा पैथ सिलेक्शन टूल ओपन हो जाता है और हम आल्ट टाइप करके माउस का लेफ्ट बटन टाइप कर प्रेस करके और नीचे के तरफ लाते हैं और इसे छोड़ देते हैं, इसका हो जाता है डुप्लीकेट और इसको हम कंट्रोल टी से एडजस्ट भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम वही प्रक्रिया फिर करते हैं, आल्ट टाइप करते हैं और उसके बाद माउस का लेफ्ट बटन और नीचे के तरफ खींचते हुए लेकर आते हैं और छोड़ देते हैं, और 3-4 हम अपने आवश्यकता अनुसार बना लेते हैं। फिर हम उसके बाद कीबोर्ड से कंट्रोल इंटर, इसका सिलेक्शन बन जाता है और हम शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एन टाइप करते हैं जिससे हमारा न्यू लेयर, और इस लेयर का नाम हम रख देते हैं स्टोक, ओके करते हैं, कीबोर्ड से ईएम टाइप करते हैं और फिर स्टोक पर जाते हैं और हम इसे कर देते हैं 20, कलर को कर देते हैं वाइट, ठीक है, परफेक्ट। फिर स्टोक का हम एक डुप्लीकेट लेयर बनाते हैं, कंट्रोल जे से डुप्लीकेट हो जाता है और स्टोक कॉपी का हम विजिबिलिटी आइज बंद कर देते हैं और उसके बाद हम स्टोक पर स्टोक लगाते हैं, डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करने के बाद सबसे नीचे ऑप्शन हमें दिखता है स्टोक, स्टोक करने के बाद हम इसे कर देते हैं 10 से 12 और जितना हमें कूल लगे। उसके बाद हम कलर की जगह पर ग्रेडियंट कर देते हैं और यहाँ से हम एक अच्छा सा प्यारा सा ग्रेडियंट बना लेते हैं, इधर हम करेंगे स्काई ब्लू यानी सी को कर देंगे सियान को 100, मजेंटा को 30, ओके कर देंगे और इधर हम करेंगे मजेंटा कलर, सी को 0 करेंगे सियान को, मजेंटा को 100, येलो 0 और ब्लैक 0, ये हमारा बन जाता है कुछ इस तरीके का इफेक्ट। फिर हम इसे एडजस्ट कर लेंगे।
ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हम फिल्टर में जाएंगे, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। इसके बाद हम फिल्टर में जाएंगे, ब्लर पर जाएंगे और ग्लो सन ब्लर, इसको हम कर देंगे 8, 10 कर देते हैं, 10 ओके कर देंगे। और जो स्टोक का कॉफी था उसे हम कर देते हैं ओपन। ओपन करने के बाद कुछ ऐसा दिखता है, स्टोक और स्टोक कॉपी को हम कंट्रोल ई से मर्ज कर देंगे। मर्ज करने के बाद हम अपने मॉडल को सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट कंट्रोल एन टाइप करेंगे और ओके कर देंगे। कीबोर्ड से बी टाइप करेंगे, हमारा ब्रश टूल ओपन हो जाता है और हम यहाँ कलर कर देंगे रेड। यम को 100 करेंगे, वाई को 100 करेंगे और कुछ इस तरीके से हम बनाएंगे। उसके बाद कंट्रोल ए करेंगे, कंट्रोल एक्स से कट करेंगे, मॉडल को सेलेक्ट करेंगे, मॉडल कॉपी को सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल बी से पेस्ट कर देंगे। आल्ट एल सी से क्लिप कर देंगे और इसको हम मोड हम कर देंगे ओवरले। उसके बाद फिर हम शिफ्ट कंट्रोल एंड टाइप करेंगे, बी से ब्रश टूल लेंगे, अब की बार रेड की जगह हम करेंगे श्यान, सी को 100 करेंगे। 100 करने के बाद यम को 0, वाई को 0 और फिर हम ब्रश से इस तरीके से कुछ बनाएंगे। फिर हम कंट्रोल ए करेंगे, कंट्रोल एक्स से कट करेंगे, मॉडल कॉपी सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल बी से पेस्ट कर देंगे। आल्ट एल सी से पावर क्लिक कर देंगे। मॉडल ये हमें पता रहे, मॉडल कॉपी में ही पावर क्लिक करना है। फिर हम इसका नॉर्मल की जगह ओवरले कर देंगे। उसके बाद फिर हम शिफ्ट कंट्रोल एन टाइप करेंगे, बी से ब्रश टूल लेंगे और अब की बार हम कर देंगे यहाँ मजेंटा। सी को 0 करेंगे, ई एम को 100 करेंगे, ओके कर देंगे और बी से ब्रश टूल लेंगे और इधर कुछ इस तरीके से इफेक्ट देंगे। कंट्रोल ए से आल, कंट्रोल एक्स से कट और मॉडल को सिलेक्ट के मॉडल कॉपी को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल बी से पेस्ट कर देंगे। और इसके बाद हम कर देंगे नॉर्मल की जगह पर ओवरले। हमारा कुछ इस तरीके का इफेक्ट बन जाता है। फिर हम स्टोक को सेलेक्ट करेंगे, ई से इरेजर टूल सेलेक्ट करेंगे और इसे हम थोड़ा सा छोटा कर लेंगे और हम इस तरीके से इरेज कर देंगे, इस तरीके से कुछ इस तरीके से इरेज कर देंगे, कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे, इस तरीके से। ग्लोइंग इफेक्ट का पार्ट 1 अपलोड है, आप उसे भी देख सकते हैं, आई बटन में उसका लिंक शो हो रहा होगा, कुछ इस तरीके से। इस तरीके से कुछ इस तरीके से। तो हाँ फ्रेंड, और न्यून ग्लोइंग इफेक्ट का पार्ट 1 ऑलरेडी आप अभी नहीं देखे हैं तो आई बटन में शो हो रहा हो, आप तुरंत जाकर देखें। हाँ, इसके बाद हमें यहाँ पर एक सनलाइट क्रिएट करेंगे, उसके हमने डाउनलोड करके रखा है, डब्लू से इसका सिलेक्शन करेंगे। फिर इसके बाद शिफ्ट कंट्रोल आई टाइप करेंगे, कंट्रोल ए शिफ्ट कंट्रोल आई, कंट्रोल एक्स से कट कर लेंगे, इसको बंद कर देंगे और इसके बाद कंट्रोल बी से यहाँ पेस्ट करेंगे। कंट्रोल टी के बाद इसका साइज एडजस्ट करेंगे, इसका साइज एडजस्ट करने के बाद शिफ्ट और कीबोर्ड से शिफ्ट के बाद प्लस को हम बार बार प्रेस करेंगे और देखेंगे हमें कहाँ अच्छा लगता है, हमें ये परफेक्ट दिख रहा है, इसके बाद हम ये एडजस्ट कर लेंगे।
ये एडजस्ट करना। हाँ तो फ्रेंड, आज का वीडियो आपको कैसे लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और बैकग्राउंड रिमूव का वीडियो आपको आई बटन पर शो हो रहा होगा, वो बैकग्राउंड कैसे रिमूव करते हैं पिन टूल से ज़रूर देखें। और हाँ, पार्ट वन अगर आपने नहीं देखा है तो तुरंत जाकर देखें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग, बाय बाय।